फ्रेंड्स इस पनीर के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, वो आप देखिएगा क्या हुआ है इसका वीडियो के साथ साथ। आज हम मटर पनीर बना रहे हैं। पनीर मैंने मदर डैडी का ले लिया, मुझे मटर फ्रेश मटर छिले कटोरी मटर है मेरे पास, और 200 ग्राम पनीर। ये मसाला तड़का मसाला बनाने के लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं, अदरक लिया है टुकड़ा, और ये थोड़े से लहसुन छील लिया, और 2 टमाटर ले लिए। फिर सारे ही मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूंगी इकट्ठे ही। इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसते हैं। इधर आते हैं हम कुकर की तरफ, कुकर की गैस ऑन कर लेते हैं हम। पहले इसमें पहले पनीर को फ्राई कर लेते हैं। घी डाल दिया मैंने, पनीर के पीसेस कर लेते हैं। जैसे आपको चाहिए फ्रेंड वैसे ही कर ले, ज्यादा छोटे चाहिए बड़े चाहिए अपने अकॉर्डिंग कर ले। आप फ्राई करके डालना चाहते हैं फ्राई करके डालें, अगर आप ऐसे ही भी डालना चाहते हो तो ऐसे भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अभी घी गर्म हो रहा है। फ्रेंड्स घी गर्म हो गया, इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। वन टुकड़े करके रखा है पनीर, इसे हम फ्राई करेंगे। ध्यान से करना था अपने ऊपर देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पनीर फ्राई हो रहा पनीर है फ्रेंड्स, इसलिए ज्यादा मैं इसको हिला नहीं रही, फूट जाएगा। पनीर फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं गैस को कम करके। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स पनीर को फ्राई कर लिया, बहुत ज्यादा भी ब्राउन नहीं किया, ज्यादा ब्राउन करने से पनीर टाइट हो जाएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स लाइट ब्राउन किया हमने। पनीर फ्राई हो चुका है, देखो फ्रेंड्स पनीर को फ्राई कर लिया है लाइट ब्राउन। अब इसी घी के अंदर हम जल ना जाए पीछे कर देते हैं। मिक्सी ग्राइंडर में मैंने प्याज कर लिया है, इसको हम इसी घी के अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स मैंने 3 प्याज ली है, 2 टमाटर छोटे वाले, अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा लहसुन और एक हरी मिर्च, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से इकट्ठा ही, टमाटर भी बीच में, और इसको अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर हम अब नमक मिर्च मसाला डाल लेते हैं। हल्दी डाल रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक डाल रहे हैं, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, थोड़ा सा धनिया पाउडर,
फ्रेंड्स इसको अच्छे से भून लेते हैं। फ्रेंड्स मसाले को हम अच्छे से भून रहे हैं इस तरह से। अभी मसाला भूना नहीं है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये पनीर रिलायंस फ्रेश से लिया था मदर डेयरी का, और मैंने अभी खोला, अभी फ्राई किया और थोड़ा सा चख के देखा, ये पनीर सही नहीं है, खट्टा है, तो इसलिए मैं पनीर नहीं डालूंगी। पनीर की जगह मैं आलू डाल लूंगी। मैंने आलू काट लिए, पनीर की जगह मैं आलू डालूंगी। पनीर आज मेरा वेस्ट हो गया, तो पनीर भी पनीर जिस तरह मैं आलू डालूंगी उस तरह ही पनीर डालना था मैंने, तो पनीर की जगह मैं आलू डालूंगी। आप आलू मटर पनीर बनाएं तो इसी तरह से बनाएं जैसे मैंने पहले फ्राई किया था। तो आज के लिए एक्सक्यूज़ है क्योंकि मेरा पनीर ही ख़राब निकल आया, खा के दिक्कत तो थोड़ा खट्टा है। तो अब पनीर को अवॉइड करके मैंने छोटे छोटे आलू काट लिए हैं दो। जिस तरह से मैं आलू डालूंगी आप उसी तरह से पनीर डाल लेना। अच्छे से भून रहा है, जैसे ही इसके अंदर पानी खत्म हो जाएगा तो हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा। रख लेती हूँ, मीडियम आंच पे भून लेती हूँ मसाले को। फ्रेंड देखिए इस तरह से मसाला अच्छे से भून गया, इसने कुकर छोड़ दिया। एक दो मिनट तक मैं और भूनूंगी। गैस को तेज करके मैं अच्छे से भून लेती हूँ। मसाले को अच्छे से भूनना जरूरी है क्योंकि टमाटर अच्छे से पकते हैं तो सब्जी बनने में टाइम नहीं लगेगा, सब्जी भी जल्दी बन जाएगी। गर्मियों में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तीखे मसाले हमने नहीं डाले, मीडियम डाले। मटर पनीर बना रही थी मैं फ्रेंड्स, पनीर खट्टा निकल आया है और पनीर की जगह मैं आलू डालूंगी। आप जब मटर पनीर बनाएं तो आलू की जगह पनीर डालें। कभी कभी ऐसे हो जाता है फ्रेंड्स, पहले मैंने चख के देखा नहीं, फ्राई करने के बाद चख के देखा तो पनीर खट्टा है, तो मैं सब्जी में डाल दूंगी, कोई नहीं खाएगा, इससे अच्छा मैं आलू डाल देती हूँ। पनीर के ऊपर डेट भी सही थी, पता नहीं क्यों खट्टा निकला। अच्छे से डेट पढ़ के लेके आए थे मेरा बेटा रिलायंस फ्रेश से, फिर भी पनीर खट्टा निकला। तो फ्रेंड्स इस तरह से बचें आप भी, जो भी रिलायंस फ्रेश से सामान लेके आए तो अच्छे से देख लें। बस मसाले भूनने का ही टेस्ट है फ्रेंड, ये देखो अच्छे से कुकर छोड़ चुका है तो मसाला अच्छे से तैयार है। ये मटर मैंने धो के भिगो के रखे थे, पानी स्ट्रेन कर देती हूँ। पानी स्ट्रेन कर दिया मैंने, एक कटोरी मटर मटर डाल दी, इसी के साथ मैं आलू डाल दूंगी। पनीर भी मैं ऐसे ही डालने वाली थी जिस तरह मैंने आलू डाले, क्योंकि पनीर ग्रेवी के साथ फ्राई हो जाता तो बहुत अच्छी तरह से फूल जाता और मसाले का टेस्ट भी पूरा पनीर के अंदर आ जाता है। इस तरह जिस तरह मैं आलू के साथ कर रही हूँ इस तरह मैंने पनीर भी डालना था और ऐसे करके फिर पानी डालना था, और जब फिर मसाले के अंदर पनीर डाल दें तो अच्छे से मटर पनीर में टेस्ट आ जाना था। अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं। आपको ग्रेवी कैसी खानी है, थिक खानी है, जस्ट पतली खानी है, उसके अकॉर्डिंग पानी डाल दें।
फ्रेंड्स, ये छोटा सा गिलास जो मैंने है, दो गिलास और थोड़ा सा इतना सा पानी डाल दिया। अब हम कुकर की ढक्कन लगा देते हैं। एक सीटी आने तक इसको ऊपर डालने देंगे, दूसरी सीटी आने से पहले ही गैस को बंद कर देंगे। तो हमारे आलू मटर या मटर पनीर इसी तरह से तैयार हो जाएगा। मटर पनीर बनाते तो भी इसी तरह से तैयार होना था एक ही सीटी में, आलू मटर बना रहे तो भी एक ही सीटी में हो जाएगा। एक सीटी लगाएंगे, दूसरी सीटी बजने नहीं देंगे, गैस को बंद कर देंगे, तो स्टीम में ये अपने आप ही बन जाएंगे। दूसरी सीटी में बंद कर दी गैस। अब स्टीम निकलने के बाद कुकर को खोल लेंगे, कुकर का ढक्कन हटा देंगे। फ्रेंड्स, स्टीम निकल गई है, कुकर खोल के देख लेते हैं। आलू मटर की सब्जी बन चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, हल्का सा, गरम मसाला तेज है इसलिए ज़्यादा नहीं डाला। फ्रेश कोरिएंडर धनिया है तो आप डाल लें। मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ, बन चुका है सब्जी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आलू मटर की सब्जी तैयार है। बनाना तो मटर पनीर था, लेकिन मेरा पनीर थोड़ा ख़राब निकल आया, खट्टा है, तो मैंने जिस तरह से मैंने पनीर डालना था उसी तरह से मैंने आलू डाले हैं मटर के अंदर। तो आप इस तरह मटर पनीर की सब्जी बना सकते हैं। खुश रहें, थैंक यू।